हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो इज बेस्ड ऑन एनएबी ऑफ म्यूचुअल फंड। सो लेट अस सी डेट आर गिवन इन दिस सिनेरियो। सो वी आर गिवन दैट टू कॉफर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हैज लॉन्च्ड अ रेगुलर इनकम स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड एट द बिगनिंग ऑफ अ करंट फाइनेंशियल ईयर। सो इट हैज इशूड 3 करोड़ यूनिट्स ऑफ रुपीज 10 ईच। The following information is collected for the scheme by the end of the current year. So we are given different types of investments are given. Rupees आपको mention किए हैं in lakhs में. Listed shares हैं, cost x dividend 3000, cash in hand का balance है 75 lakh. Bonds and debentures की investment है 230 lakhs. Of these bonds not listed and quoted, कुछ unlisted हैं आपके 100 lakhs. अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज हैं, कॉस्ट हैं 250 लाख, डिविडेंड अक्रूड है आपका 80 लाख्स, अमाउंट्स पेबल ऑन शेयर्स है किसी लाइबिलिटी 832 लाख्स, एक्सपेंडिचर एक है बिकम अक्रूड 100 लाख्स, सो वैल्यू लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है एन ए बी डेट गिवन 1000 लाख्स। सो करंट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 100 इज इक्वल टू 106.50। तो आपको मार्केट वैल्यू भी है जो फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज हैं उनकी 100 रुपीज़ की। एंड ऑल द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज एट अ टाइम व्हेन इंडेक्स वाज 14200 एंड द प्राइसिंग इंडेक्स इज 18000। देयर हैज बीन ए डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑन एनएवी डेट। तो जो आपके अनलिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई है बाई 20%। सो अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आ रहे तो कॉस्ट, और जो रिमेनिंग सिक्योरिटीज हैं उनको वैल्यू करेंगे कॉस्ट के ऊपर। सो अब आपके डिफरेंट एम सी क्यूज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एन ए बी पर यूनिट को म्यूचुअल फंड एट ईयर एंड। तो एन ए बी का जो बेसिक फार्मूला है, नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी फॉर यूनिट होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो लेट अस स्टार्ट। तो एम सी क्यू नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट एन ए बी पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। फार्मूला इज व्हाट आर नेट एसेट्स विच आर अवेलेबल फॉर यूनिट होल्डर्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके हैं, लेट अस शो स्टेटमेंट। रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड शेयर्स, उसकी आपको वैल्यू दी है कॉस्ट 3000। अब ये आपको मैंशन किया है गीज वर परचेज जो मैंने इंडेक्स वाज 14200 नाउ इंडेक्स इज 18000। तो लेके से मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड शेयर्स, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड एसेट्स। सो दिस मार्केट वैल्यू इज, ये आपकी परचेज थी 3000, मैंने इंडेक्स वाज 14200 बट नाउ इंडेक्स इज 18000। सो इनको 18000 डिवाइडेड बाय 14200, सो दिस विल बी मार्केट वैल्यू। सो 3000 इनको 180 डिवाइडेड बाय 142, दिस इज 38.82। राउंड ऑफ कर दिया हमने आपको टू डेसिमल्स रुपीज लैक्स में। सो देन वी हैव कैश इन हैंड का बैलेंस है आपका 75 लाख, किसी की 75 लाख्स। देन वी आर गिवन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है कॉस्ट, और इसमें से आपको मेंशन किए हैं ऑफ दीज बॉन्ड्स विच आर नॉट लिस्टिंग एंड कोटेड, जो आपके लिस्टिंग नहीं है किसी के 100। अब उसकी वैल्यू है आपकी किसी की डिमिनेशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स। तो लेटर स्टेक मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अब इसकी जो वैल्यू आपको दी है दी आर 100। अब इसमें 20% आपकी रिडक्शन हो गई है, तो -20% दिस विल बी 80। अब जो रिमेनिंग रह गए हैं वो हैं आपके लिस्टेड बॉन्ड्स 230 - 100 130, पर उसकी मार्केट वैल्यू आपको मेंशन की है वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स। सो यू कैन टेक मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स, दिस इज गिवन टू अस। सो इन द क्वेश्चन दिस इज गिवन टू बी अवर वैल्यू लिस्टेड बॉन्ड्स इज 1000 लाख्स। सो देन वी हैव अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट 250 लाख्स, तो दिस इज अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज
उसकी देखो वैल्यू दी है ऑफ ₹100, इट्स वैल्यू 106.5। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 106.5 इज वैल्यू ऑफ ₹100। अब जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है अगर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी जैसे 250 लाख, तो वट भी वैल्यू ऑफ 250 लाख, जैसे 250 × 1.065, जैसे 266, सो 0.25। सो यानी कि गिवन डिविडेंड अक्रूव हो गया आपका, ये भी आपकी एसेट है एज डिविडेंड अक्रूव। सो जैसे गिवन टू अस, सो जैसे डिविडेंड अक्रूव, सो जैसे यवर 80 लाख। देन कैरिंग अमाउंट पेबल ऑन शेयर किसी लाइबिलिटी एंड एक्सपेंडिचर अक्रूव किसी आल्सो ओवर लाइबिलिटी। तो रिमेनिंग आइटम्स आपकी हो गई हैं। सो दी आर टोटल एसेट्स, लेट अस राइट टोटल एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी एट ईयर एंड। 266.25 प्लस 80, तो प्लस 1080, तो प्लस 75, प्लस 3802.82, किसी कमिंग को भी 5304.07। इसमें से आप माइनस कर लीजिए लाइबिलिटीज। तो नंबर वन इज अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, इट मीन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में उसके अगेंस्ट कुछ अभी आपको मनी पे करनी है। तो जैसे जो गिवन है जैसे 132 लाख, और एक आपके हैं जिसमें एक्सपेंसिज अक्रूव, एक्सपेंडिचर अक्रूव, इट मीन एक्सपेंस ग्लू विकिन यट पेबल 100 लाख। सो टोटल लाइबिलिटीज आर 932 लाख, बैलेंस आर नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी इसे एट ईयर एंड, सो माइनस 932 किसी 4372.07। नाउ वी कैन कैलकुलेट वट इज एनएवी पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। सो फार्मूला की नेट एसेट्स, सो 4372.07 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, देखो आपने इशू किए थे 3 करोड़ यूनिट्स, इट मीन्स 300 लाख, तो ये लैक्स में चल रहे हैं आपके 300 लाख यूनिट्स। सो डिवाइडेड बाय 300, सो एनएवी इज रुपीज, सो 14.57 जैसे एनएवी पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। So you can say which option is correct in this case. So option B is correct. So answer is option B. So next MCQ number 2. Now they are asking calculate the NAV per unit of mutual fund at year end. If the mutual fund company has paid dividend at the rate of 20% during the year. So you have to calculate NAV at the end. So NAV of mutual fund at the end after dividend. इट ही आल्सो कॉल गई एक्स डिविडेंड एनएवी, को भी देखिए आपने एनएवी कैलकुलेट की थी बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, देखिए आल्सो कॉल गई कम डिविडेंड, सो कम डिविडेंड एनएवी दिस वी हैव कैलकुलेटेड रुपीज, सो 14.57। इसमें से आप लेस कर लीजिए हाउ मच इज डिविडेंड पेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, सो दिस इज पर यूनिट डिविडेंड पेड आपको परसेंटेज में किया है, इट मीन दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन पेड ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। सो पेड ऑफ वैल्यू है इसमें ₹10, बिको इट इज फुली पेड ₹10 इनको 20% की डिविडेंड, सो इट मीन्स डिविडेंड एज ₹2 पर यूनिट। सो एनएवी आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड जिसे आसो कॉल टू एक्स डिविडेंड एनएवी, एक्स डिविडेंड एनएवी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो दिस आंसर इज कमिंग ₹12.57। तो कई बार होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं 20% डिविडेंड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं एनएवी के ऊपर, पर आपने हमेशा कैलकुलेट करना है जो पेड ऑफ वैल्यू है आपकी ऑन पेड ऑफ वैल्यू यानी कि गिवन इन परसेंटेज, तो दिस विल बी एनएवी। सो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये हम एमसीक्यू कर रहे हैं, इनके थ्रू आपका सारा सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है, तो मैंने सभी एमसीक्यू को सिमेट्री में अरेंज किया है सीक्वेंस में। तो जैसे अब कोई भी आप सीरीज उठाते हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5, तो आपका पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। तो लेकिन एमसीक्यू नंबर 3 कह रहा है,
कैलकुलेट एनुअल रिटर्न टू द यूनिट होल्डर इफ द म्यूचुअल फंड कंपनी हैड पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको कैलकुलेट करनी है एनुअल रिटर्न। अब कंपनी ने डिविडेंड पे कर लिया है तो इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हाउ मच ही एन ए बी आफ्टर डिविडेंड। तो लेट अस सी नंबर 3 MCQ, वी हैव टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न टू यूनिट होल्डर। तो फार्मूला इज दिस वन, वी नोट आर आई, इट मीन्स रिटर्न फॉर आई एट टाइम पीरियड। अब आपको जब कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है जो कि गिवन प्लस हाउ मच इज एन ए बी आफ्टर वन पीरियड माइनस एन ए बी इन द बिगनिंग अपॉन एन ए बी इन द बिगनिंग एन ए बी 0 टाइम्स 100। तो डिविडेंड इज 2 rupees। तो आफ्टर डिविडेंड हाउ मच इज नाउ रिमेनिंग एन ए बी 12.57। बट माई ओपनिंग एन ए बी तो यूनिट्स फॉर इशूड इन द बिगनिंग ऑफ ईयर एट रुपीज 10 किसी की ओपनिंग एन ए बी अपॉन 10 टाइम्स 100। दिस विल बी रिटर्न टू यूनिट होल्डर। तो दिस इज कमिंग टू 4.57 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई 10 दिस इज 45.7% इज योर एनुअल रिटर्न टू यूनिट होल्डर। यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो आंसर इज यू ऑप्शन नंबर 8। In this lecture, we discuss case scenario based on NAV of mutual fund. For your copies, we will continue next lecture. So, video aapko achhi lagti hai, subscribe kijiye, recommend kijiye, share kijiye. Thank you.